आजा भी है यार। अब सर जो है हमारे आसपास के इलाकों में तो वही पैदा होता है सरसों, और हम वही इस्तेमाल करते हैं घर में भी। बहुत अच्छा तेल है, हम अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं और उसका स्वाद बड़ा प्यारा है। दूसरे तेलों के मुकाबले नहीं हूँ कि थोड़े से आपने हल्का सा रखा, हल्की आंच पर कुछ भी चीज़ बना ली, मज़ा नहीं आया उसको। सरसों का तेल थोड़ी ज़्यादा देर रखना पड़ता गर्म, उसके बाद अपना मज़ा देता। सर खाने में तो ज़्यादा सोयाबीन का खाते हैं हम, यूँ तो सरसों का और मूँगफली का भी मिलता है, सोयाबीन का इसलिए खाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। बाबा आयल तेल है जो नारियल सरी का आता है, उसमें जो तेल निकलता है वो जो खाते हैं पाम आयल। सर आपने कभी जैतून के तेल का नाम सुना है? जैतून का तेल हाँ सर नाम तो सुना है, एक चोट वोट लग जाए या कुछ ऐसी झगड़ा झगड़ा कुछ हो जाए तो उसमें मैसेज के कर सर ये जैतून का तेल तो ये दवा के खाने से बिल्कुल खाने की बात क्यों कर। सर जैतून का तेल सुना तो है बहुत महंगा होता है, लेकिन ना कभी आंखों से कभी देखा और ना कभी खाया। सर जैतून के तेल का नाम तो सुना है, वो हाथ पैर दुखते हैं तो तेल की मालिश करते हैं, उसको खाते भी। एक्चुअली सर जैतून के तेल को भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मेन कोर्स के तौर पर खाया जाता है। ऐसा? और आज हम आपको जैतून खिलाने वाले हैं जो कि स्पेन नाम के देश से इंपोर्ट किए गए। ठीक है सर, तो आप उसे खाइए खाकर अपना फीडबैक। क्या बात कर रहे हो यार, जैतून बिल्कुल लाओ यार। तुमने तेल का नाम सुना, तेल तो देखा लेकिन जैतून की चीज कभी देखी नहीं, कभी कही नहीं, तो चलो आज आज टेस्ट करते हैं। अब सर आपके सामने जो देख सकते हैं यार, एक हरे कलर का जैतून है और एक काले कलर का जैतून। अच्छा सर ये जैतून खुशबू तो कुछ अलग ही आ रही है इसकी, इसकी भी अलग ही। काले नाम सुनने से मतलब जैतून का तेल, आज जैतून को पहली बार देख भी लिया हो, एक नहीं दो दो क्वालिटी के लिए, क्या बात है। इसमें तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी दवा जैसी मुझे खुशबू आ रही है। सर ऐसे होते हैं जैतून, क्या बात है, अंगूर जैसे। सर इस तरह के तो अपना अंगूर मिलते हैं नहीं, इस ये कलर का भी रहता हरा हरा पीले कलर का, वो ये काले कलर का भी रहता। अब सर इसका कलर और रंग देख के थोड़ा सा लग रहा है कि पहले इससे शुरू किया जाए, थोड़ा अंगूर जैसा लग रहा है। ठीक है सर, नई चीज़ है, इसकी खुशबू भी अलग ही है, देखते हैं खाने में ज़्यादा बात करेंगे, इसको टेस्ट करके देखते हैं। अजा भी है यार। इसकी खुशबू भी अलग ही है और इसका टेस्ट भी अलग ही है। अब ये क्या चीज है आपके जैसे इसका टेस्ट भी अलग किसी से भी निकल रहा है, बिल्कुल एक नई चीज, एक अजीब सी चीज है। पहले तो फिर मैं खा रहा हूँ, अब इसका स्वाद तो मैं ये स्वाद किसी मिल नहीं, तुम निकल उनके स्वाद आपको क्योंकि अजीब लग रहा है। थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा है, कुछ अचार जैसा, केरी का अचार होता है ना, थोड़ा थोड़ा जैसा लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। अब ये काला वाला खा के देखते हैं।
ये तो बहुत ही फीका फीका लग रहा है। काला तो मैं खा चुका हूँ, अब ये जो हरे वाला है अब देखो इसका टेस्ट क्या लगता है, ये कैसा लगता है। सर जी, जैतून का तेल अक्सर जो है कि यही सुना है कि सर में मालिश कर लो, कोई दर्द हो तो वहाँ लगा लो, बदन पे मालिश कर लो। अगर मैं अपने परिवार में जाके बोलूँ अभी इसके जाने के बाद कि मैंने जैतून का तेल जो है जैतून को खाया, तो वो मेरे पर यकीन नहीं करेंगे कि यार मालिश और तेल की चीज़ सुने खा ली। दाने आते हैं ना दाने, उस टाइप का लग रहा है इसका थोड़ा सा टेस्ट, फीका फीका। मूँगफली के दाने आते हैं ना सीखे हुए, ऐसा लग रहा है। पहले मैंने ये काला वाला खाया तो वो मुझ में उसका फिर ये वाला खाया तो ये भी इन दोनों का स्वाद को सेम लग रही है, कुछ नमकीन नमकीन भी है कुछ भी वो भी है, बाकी दोनों का टेस्ट जो है अब इनका मैं मिला करूँ कि कैसे करूँ। कभी ये चीज़ पहले तो कभी आई नहीं थी, आज मैं पहले तो खा रहा हूँ। सर जी, अगर इसको अचार किस तरह इस्तेमाल करें सालन के साथ तो इसमें कोई दो राय नहीं, यूँ भी खाने अच्छा लग रहा है। जिसको ज़्यादा चटपटा चाहिए वो ये खा सकता है, जिसको कम चटपटा चाहिए वो ये खा सकता है, इसमें फ़र्क ये है दोनों। एक बात तो है साहब, जैसे अपन दाल घर में अपन दाल बन रही उसको अपन ने बगा दी, अब वो उसमें दाल में थोड़ा अमचूर डालते हैं तो उसमें अमचूर की जगह मत डालो, उसके ये अमचूर का सवाल तो आ जाएगा, तो ये इसी लग रही। सर जी, अगर किसी भी अनजान इंसान को आप मेरी तरह ये दो चीज़ें दिखाएं तो वो तो यकीन ही नहीं करेगा कि यार ये वो बोला अंगूर है यार ये, लेकिन जब तक जबान पर स्वाद इसका जाएगा उसके बाद ही बता सकता है सामने वाला, ये धोखा हो सकता है इस चीज़ को देखने के बाद। दादी के हिसाब से अगर ये इसका जैतून का तेल कितना फायदेमंद है तो इसका फल कितना फायदेमंद हो, ये सोच के मेरा दिमाग काम नहीं करिए अभी तक। इसको खाने में एक बात तो मैंने वर्ष देखी है, जैसे हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं, अब दाल चावल का कभी हमको अचार भी लगता है और वो उसमें वो एक जगह वो बनाते हैं कचूमर, जिसमें टमाटर होता है, प्याज होती है, केरी होती है। अब केरी का मटर आप ये डाल दो बिल्कुल केरी का साथ। सर जी, हमारा आती है केरी जो खट्टी मीठी रहती है, उसकी अक्सर हम लोजी बनाया करते हैं, अगर इसको जो है लोजी की तरह इस्तेमाल करें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, वो बेहतरीन लगेगी। यहाँ तक अंदाज मेरा कि इसको डायरेक्ट तो कोई खाता नहीं होगा, या तो इसे अचार की तरह खाते होंगे दाल चावल के साथ अचार की तरह, या तो इसका तेल निकलता होगा या इसकी सब्जी बनती होगी। सही बात है कि क्या ऐसा कोई जो आयल हम खाते हैं वो आता है 80 रुपये लीटर, अब ये जो तेल है इसका जैतून का ये अचार को वहाँ लेने के लिए जा रहे थे उसी दिन को 1000 रुपये लीटर का वो बचा था, जब वो तेल इतना महंगा है तो ये दोनों चीज कितनी महंगी ये समझ नहीं आ जाए। अब हम तो गरीब आदमी तो इतनी इसका इतना महंगी चीज़ तो हम ले नहीं सकते। सर जी, कोई भी तेल या चीज़ हो, तेल या मछली ले लो, वो फ़ायदेमंद करती है, इसमें भी तेल निकलता है तो मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद चीज़ होगी। ना तो हमारे वहाँ इसका पेड़ है और ना ही इसको उगाया जाता है, ना देखा आज तक मैंने, इतनी उम्र हो गई बचपन से पहली बार देख रहा हूँ ये चीज़, तो मैं हमारे लिए तजुबे की तरह यही है। ये जो चीज़ है बार बार तो मिल रहा नहीं है, क्योंकि अभी तक जिंदगी में ना तो ये चीज़ देगी ना कभी इसका झाड़ देगा, अब ये चीज़ सामने आई है तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ दोबारा कहूँ मिला भी नहीं मिला, जब इसका तेल इतना फायदा मैंने पता नहीं इसको खाने में कितना फायदा होगा, ये समझते ही खाइए। वाह, बहुत ही खट खट मीठा है, खट्टे ही है अभी।
इसमें बीज भी बीज भी होंगे लेकिन जैसे मैं सोचते हैं बीज निकाल के दिया होगा उन्होंने सर जी हमारे एक चीज होती है कबीट, ऊपर से कड़क अंदर से मुलायम, उसको हम जो है कि अक्सर चटनी बनाया करते हैं, उसमें सेंधा नमक मिला के उसको अच्छा कूट के काला नमक थोड़ी शक्कर उसमें डाल के चटपटा अच्छी चटनी बन जाती है। अगर इसको उस तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन चटनी बन सकती है। तो तेल की बात भी पर जाएगा सर, जो हमारे बहुत ही फेमस जो है गार्मेंटल थे उन जगह ने उन्होंने गाया था सर जो तेरा चक It